आज मैं सोच रहा हूँ कुछ डिफरेंट सा बनाता हूँ। मशरूम और सिजवान सॉस के कॉम्बिनेशन से बनाते हैं मशरूम सिजवान बॉल्स। कभी भी बारिश हो रही हो तो ये डिश बनाइए आप और इसको खाइए, आपको बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिफरेंट लगेगी। इसके इंग्रेडिएंट बता दूँ, ये मशरूम है मेरे पास, लगभग 100 ग्राम मशरूम है और इसमें हम डालेंगे ढेर सारी ये सिजवान सॉस। साथ में थोड़ा सा और चाइनीज़ फ्लेवर देने के लिए इसमें हम डालेंगे ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस, बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ लहसुन। इसको बाइंडिंग देने के लिए हम कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा सा टेक्सचर देने के लिए मैं थोड़ी सी मात्रा में लूंगा ये पत्ता गोभी बारीक कटी हुई और बारीक कटी हुई गाजर। तो मशरूम सिजवान बॉल बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है ये मशरूम। तो इसको क्या करना है, इसको छोटा छोटा काट लेना है ताकि मुँह में जब मशरूम आए तो एक मशरूम का फ्लेवर आना चाहिए आपको। इसलिए हम इसको पीस नहीं रहे हैं, बारीक बारीक काट रहे हैं। अब हम इसमें डालते हैं ये थोड़ा सा पत्ता गोभी, साथ में डालेंगे ग्रेट की हुई मोटी मोटी ग्रेट की हुई गाजर, साथ में डालेंगे ये बारीक कटा हुआ अदरक, साथ में डालेंगे ये बारीक कटा हुआ लहसुन, इसके साथ ही थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक और अब हम डालेंगे इसमें सॉस, सोया सॉस, उसके बाद सिजवान सॉस और उसके बाद ये ग्रीन चिली सॉस। अब हमें इसको मिक्स कर लेना है और अब इसमें हम कॉर्न स्टार्च मिलाएंगे और इसको थिक करते जाएंगे, यानी कि इसका एक डो जैसा बना लेंगे हम। तो मिक्स करें क्योंकि मशरूम में काफ़ी पानी होता है और बाकी के वेजीज में भी काफ़ी पानी होता है, तो कॉर्न स्टार्च मिलाते जाएं तब तक जब तक कि ये पानी छूटने ना लगे। जो पानी छूट रहा है ये एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए तब तक आप इसमें कॉर्न स्टार्च मिलाते रहें। अब इसके बॉल्स बना लेने हैं इस तरह से और ये डायरेक्ट जाएंगे तेल के अंदर। छोटे छोटे बॉल्स बनाए आप, बस इसको कुछ ही देर में पलट लेना है नहीं तो जो पानी छूटेगा उसके कारण ये फट सकते हैं। ये हमारे मशरूम सिजवान बॉल एकदम तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो चलिए इसको सर्व करते हैं, हम उसका एक्स्ट्रा तेल निकाल लें और इसको सर्व करेंगे हम सिजवान सॉस के साथ। बहुत ही टेस्टी, जरूर ट्राई कीजिएगा। तो तैयार है हमारे मशरूम सिजवान बॉल्स। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी सिजवान सॉस डाल लें, थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन से इसको गार्निश कर लें और इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। बहुत डिफरेंट है, बहुत ही टेस्टी डिश है। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो उनको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली बार बैचलर्स कुकिंग।